शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया। मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इटावा प्रशासन पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। तो देखिए, चुनाव आयोग को पत्र शिवपाल यादव की तरफ से लिखा गया, पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसमें मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। अनुभव, कल भी हमने देखा था एक पत्र लिखा गया था जिसमें आरोप ये लगे थे कि तय सीमा के बाद चुनाव प्रचार किया गया। अब एक और पत्र चुनाव आयोग को शिवपाल यादव की तरफ से। देखिए, शिवपाल यादव ने ये पत्र लिखा है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इटावा का जो स्थानीय प्रशासन है, यानी वहाँ जो पुलिस के अफसर हैं, जो प्रशासनिक अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो जसवंत नगर विधानसभा आती है वहां पर कैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के और जो जनप्रतिनिधि है, उनको धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाने को कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में कोई गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर जो सीनियर अफसर है उनकी भूमिका को पक्षपातपूर्ण बताया है शिवपाल यादव ने अपने पत्र में, और कुछ नाम भी लिख कर दिए। उन्होंने बताया कि देखिए किन किन लोगों को धमकाया गया है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई खास तौर से दूसरे ब्लॉक का है, तो तमाम सारे लोगों का नाम लिखा है। और ये भी कहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो वहां पर कैसे चुनाव हो पाएगा निष्पक्षतापूर्ण। इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर पत्र लिखा और ये कहा है कि लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। तो इससे पहले देखिए, हमने देखा समाजवादी पार्टी कई बार लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ एक डेलीगेशन गया, उसने भी तमाम शिकायतें की। लेकिन अब शिवपाल यादव ने खुद चिट्ठी लिखी है भारत निर्वाचन आयोग को और साफ तौर से उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि बीजेपी के पक्ष में दबाव डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ठीक है, अब कुल मिलाकर इस पर संज्ञान क्या लिया गया अनुभव? क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अभी तो फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि शिवपाल यादव ने ये पत्र भेजा है, फैक्स के जरिए भेजा है, ईमेल के जरिए भेजा है, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कुछ जवाब उन्हें दिया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और क्या, क्योंकि कल ही सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह 7 बजे से, तो ऐसे में क्या अधिकारियों को भी कोई निर्देश दिया जाएगा? हालांकि हमने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग ने वहां जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव गए, उन्होंने शिकायत की, उसके बाद निर्देश दिया था। शिवपाल यादव ने भी चिट्ठी लिखकर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।